दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक बेहद ही भयानक हादसा देखा गया, जिसमें एक नहीं दो नहीं करीब तीन दर्जन से ज्यादा कारें आपस में भिड़ गईं। बताया जा रहा है ये हादसा सुबह घने कोहरे के कारण हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे अलग अलग जगह खड़ी कारें एक्सीडेंट के बाद बुरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। जहां जहां तक नजर जा रही है वहां पर खराब हालत में खड़ी कारें नजर आ रही हैं। किसी के परखच्चे उड़ चुके हैं तो वहीं बुरी तरह डैमेज स्कूल बस भी नजर आ रही है। ये नज़ारे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। सुबह तकरीबन 8 से 8:30 के बीच जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से गाड़ियां तेज़ रफ्तार में गुजर रही थीं, तभी किसी गाड़ी के ब्रेक मारने से पीछे आ रही गाड़ियां आपस में भिड़ती चली गईं और ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। ANI के मुताबिक इसमें 35 गाड़ियां दुर्घटना का शिकार हो गई हैं। गनीमत की बात ये रही कि इतने बड़े हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन सोचने वाली बात है कि 35 गाड़ियां आपस में टकराई कैसे। इसका जवाब ADCB ट्रैफिक पुलिस ने दिया है। सर, क्या घटनाक्रम रहा इसमें? ये सुबह यहाँ पर हाईवे पर काफ़ी कोहरा था, कोहरा कारण गाड़ियाँ स्लो चल रही थी। सामने से आगे से कार जा रही थी, कार वाले ने कोहरा के अचानक कोहरा पड़ने से उसमें ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद एक छोटा सा कैंटर जा रहा था, कैंटर वाले ने अचानक जब ब्रेक लगाया तो उसके पीछे एक ट्रेलर जा रहा था। ट्रेलर वाले ने कैंटर वाले के पीछे से टक्कर मारा और लेफ्ट साइड से वो आगे निकल गया। उसके पीछे एक और आयल का टैंकर जा रहा था, उसने इसमें टक्कर हुआ और टक्कर के बाद उसकी गाड़ियाँ रुकती गई। पीछे से जो भी गाड़ी आती है उसमें फिर टक्कर लगता है। कितनी गाड़ियाँ आई? कुल लगभग अब तक 35 गाड़ियों को घायल तो कोई नहीं है, लेकिन विशेषकर जो आगे जो कैंटर चल रहा था उसने जैसे उसकी टक्कर उसकी गाड़ी उतर के देखने लगा तो उसको थोड़ी चोट है और उसको अस्पताल एडमिट कराया गया है। गाजियाबाद के ADCP ट्रैफिक के मुताबिक आज सवेरे कार के ब्रेक मारे जाने के कारण उसके पीछे आ रहे छोटे कंटेनर के ड्राइवर ने भी ब्रेक लगा दिया और फिर पीछे चल रहे बड़े साइज के ट्रेलर ने कंटेनर को टक्कर मार दी और साइड से निकल गया, जिसके बाद पीछे आ रही कई गाड़ियां आपस में टकराती चली गई। ये सिलसिला इतना लंबा चला कि इसमें 35 गाड़ियां टकरा कर हादसे का शिकार हो गई। टकराने वाले वाहनों में कारें, ट्रक, कंटेनर, टैंकर, बस, छोटा हाथी जैसे वाहन शामिल हैं। इस हादसे में एक शख्स भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरठ एक्सप्रेसवे के पास गांव के लोगों को जब इसकी सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद करने लगे। वहीं इस हादसे में दुर्घटना का शिकार हुई बस सियादवाद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के छात्रों को लेकर दिल्ली जा रही थी, जो दिल्ली में एक मैराथन में भाग लेने के लिए जा रहे थे। इस हादसे में कई छात्र चोटिल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।